हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो वेलकम है आप सभी का मेरे अनदर न्यू वन व्लॉग में, रिंकी चौधरी ए टू जेड। फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो है कि कितनी वीडियोस डालने के बाद चैनल मोनेटाइज हो जाता है। मेरी कुछ फ्रेंडे हैं, आई मीन टू से कुछ ऐसी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी सिस्टर हैं जो यूट्यूब से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और जो मुझसे ये पूछ रही हैं बार बार क्वेश्चन करके कि बहन ये बताओ सिस्टर कि कितनी वीडियोस डालने के बाद चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो आज मैं ये वीडियो उन्हीं के लिए स्पेशली बना रही हूँ मेरे सपोर्ट की तरफ से कि कितना वीडियोस डालने के बाद चैनल मोनेटाइज हो जाता है। ये तो ज्यादातर सबको ही पता है कि हमें 4000 घंटे पूरे करने होते हैं और 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने होते हैं। और दूसरा क्राइटेरिया भी सभी को पता है कि हमारा 3 दिन अगर कोई हमारी वीडियो ऐसी है जो मिलियंस में चली जाती है, जो वायरल हो जाती है, उसके लिए हमें 3 दिन में टाइम पूरा करना होता है। ये दो क्राइटेरियाज तो सभी को पता है कि इस तरीके से हमें अपना जो है टाइम पूरा करना होता है और हम अब उसके बाद अपना चैनल मोनेटाइज करवा सकते हैं। लेकिन कुछ मेरी माताएं और बहनें हैं जो बार बार मुझसे ये पूछ रही हैं कि सिस्टर हम वीडियो कितना डालें कि इतना वीडियो डालने के बाद हमारा टाइम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं यही बताऊंगी कि आप लोग वीडियो कितना भी डालो, चाहे आप कितना भी वीडियो डालो, 1000 वीडियो डालो, 2000 वीडियो डालो, वीडियो डालना बहुत जरूरी है। वीडियोस डालने से ही टाइम पूरा होता है। जितना टाइम आपको हर वीडियो पे यूट्यूब देता है वो आपका हर बार जुड़ता रहता है जब तक आपका 1 साल पूरा नहीं हो जाता। मतलब जैसे कि आपने जनवरी में चैनल बनाया तो अगले साल 1 जनवरी तक आपका टाइम जुड़ेगा। 1 जनवरी तक आप इतना वीडियोस डालिए, इतना शॉर्ट्स डालिए, अच्छे से डालिए, खूब इंटरेस्टिंग डालिए, अच्छे अच्छे थंबनेल्स बनाइए, अच्छे अच्छे मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग से डिस्क्रिप्शन डालिए, टैग्स डालिए, जिससे आपका वीडियो जो है हाई लेवल पर जाए, अच्छा जाए, उस पर व्यूज़ आए, जिससे आपका टाइम पूरा हो सके और आपके सब्सक्राइबर पूरा हो सके। मैंने कई बार देखा है कि जब हम शॉर्ट्स डालते हैं ना, जैसे कि हम ऐसे शॉर्ट्स डालते हैं, लोगों के दिमाग को पढ़िए, वो क्या सुनना चाहते हैं, वो क्या देखना चाहते हैं। अगर हम उस तरीके के शॉर्ट्स डालते हैं ना तो हमारे शॉर्ट्स वायरल होते हैं। मैं ये मान सकती हूँ कि हम लॉन्ग वीडियोज डालते हैं ना तो लॉन्ग वीडियोज पर व्यूज कम आते हैं। मतलब जैसे कि अभी मान लो मैं हूँ, मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है, मुझे यूट्यूब जानने में इंटरेस्ट है कि हम यूट्यूब के बारे में क्या क्या रोज जान सकते हैं, और उसी चीज के बारे में मैं रोज समझकर जानकर वीडियो डालती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ। पता है आप लोगों को, जो इस तरीके से जिसको व्लॉग में इंटरेस्ट होता है वो व्लॉग को देखता है और उस तरीके की वीडियोज डालता है। ठीक है, जिन लोगों को डांस का शौक होता है वो डांस सीखते हैं और डांस का वीडियोस डालते हैं। जिन लोगों को कुकिंग का शौक होता है वो कुकिंग देखते हैं, कुकिंग करते हैं और वीडियोस डालते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जब वीडियो बनाते हो तो आपको ऐसा वीडियो बनाना है और 1 साल के अंदर अंदर कोशिश कीजिए कि 1 साल के अंदर अंदर आपका टाइम हो जाए। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, 1 साल होने के बाद जब आपका 1 साल चैनल पर पूरा हो जाता है उसके बाद यूट्यूब आपका टाइम काटने लगता है। इस चीज को आप लोग समझ सकते हो कि जिस टाइम को जोड़ने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, हर रोज व्लॉग बनाते हैं, हर रोज शॉर्ट्स बनाते हैं, टाइम से वीडियोज डालते हैं, तब हमें टाइम मिलता है यूट्यूब से। और उसके बाद जब YouTube टाइम काटता है तो बहुत दुख होता है फ्रेंड्स, बहुत दुख होता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने वीडियोस को, अपने कंटेंट को इतना अच्छा बनाइए, इतना अच्छा कीजिए और लाइव वीडियोस कीजिए। जब आप लाइव करते हो तो लोग जुड़ते हैं, उसका भी आपको बहुत अच्छा टाइम मिलता है, बहुत ही अच्छा टाइम मिलता है। लाइव करने से ऐसा लगता है कि एक जुड़ा, दो जुड़े, कि 2 लोग आए हैं, 3 लोग आए हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आपको 10-15 घंटे मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एक दिन के 10-15 घंटे भी मिल रहे हैं तो भी आप 1 साल में अपना 4000 घंटा पूरा आसानी से कर सकते हो। और जिन लोगों का 1 साल हो गया है और अभी तक टाइम पूरा नहीं हुआ है, वो लोग निराश मत होइए, वो भी अपनी कोशिश करते रहिए। पर हाँ, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि जिन लोगों का टाइम चैनल पर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल से ज़्यादा
हो गया है वो लोग इस चीज को समझिए कि अब उनको एक नया चैनल बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों का चैनल 2 साल पुराना हो गया है उनको टाइम पूरा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 1 साल के बाद आप फिर भी कर सकते हो, क्योंकि 1 साल के बाद जो टाइम कटता है आप उसको गेन कर सकते हो, लेकिन 2 साल के बाद वो टाइम पूरा करना नहीं हो पाता फ्रेंड्स, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप 2 साल पीछे चले गए। जैसे आपको 1 साल में 4000 घंटा पूरा करना होता है, उसके बाद YouTube आपका टाइम काटने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि आपने 1 जनवरी को या 1 फरवरी को या किसी भी डेट को आपने इस मंथ में चैनल बनाया था। उसके बाद आपका 1 साल नेक्स्ट ईयर में जब पूरा हो जाता है तो YouTube उसके बाद टाइम काटने लगता है। तो आप खुद सोचिए फ्रेंड्स, अगर आपके चैनल को 2 साल हो जाएंगे तो क्या YouTube आपको वो टाइम दे पाएगा, क्या आप चैनल पूरा कर पाओगे? तो मेरी मानिए फ्रेंड्स, जिन लोगों का कमेंट मेरे पास इस बात को लेकर के आता है कि हमारे चैनल को 2 साल हो गए हैं, हमारा टाइम पूरा नहीं हो रहा है, हमारे सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो रहे हैं, वो कोशिश कीजिए कि नया चैनल बनाइए और अच्छा अच्छा थंबनेल लगाइए, वीडियो की क्वालिटी अच्छी रखिए, कंटेंट अच्छा रखिए, डिस्क्रिप्शन अच्छा रखिए और हमेशा टैग्स लगाइए। उससे आपकी वीडियोस पर धीरे धीरे व्यूज आने लगेंगे और धीरे धीरे व्यूज बढ़ेंगे। आई होप सो आपको वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।